Good evening, my dear students. Now today we will discuss about the hydroboration oxidation reaction and oxymercuration and demercuration reaction. It means these reactions are related to the chapter alcohols. Means we can prepare alcohols by using hydroboration oxidation reaction and oxymercuration and demercuration reaction. तो आज हम लोग डिस्कशन पूरी तरीके से इन दोनों रिएक्शंस पर करेंगे. मींस ये टर्म आपको बताना क्या चाहता है, ये सबसे पहले हम लोग बात करना चाह रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको समझाना क्या चाहती है, तो सबसे पहला हेडिंग हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं और इस हेडिंग का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. देखिए नाम जब इंडिकेशन करे कि आखिरकार हाइड्रोबोरेशन, ये एक स्टेप हो गई और ऑक्सीडेशन दूसरी स्टेप हो गई. तो हम लोग पहली स्टेप हाइड्रोबोरेशन डिस्कशन करेंगे और दूसरी स्टेप जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि दो रिएक्शन से मिलके बनी हुई है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अगर सिंपली हम बात अपनी कहना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइड्रोबोरेशन प्लस ऑक्सीडेशन, ये दो रिएक्शन जब मिल जाए, दोनों रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाए, तब बन जाती है कौन सी रिएक्शन, तब बन जाती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ये रिएक्शन बन जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. स्टेप्स अगर आप समझ लेंगे तो बड़ा आपको काम आएंगे. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हाइड्रोबोरेशन में करना क्या है. देखिए सबसे पहला हमारे पास जो कंपाउंड है वो ये कंपाउंड है जिसका नाम आप जानते होंगे, प्रोपीन लिया जा सकता है, इथीन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस कंपाउंड में हम लोग जोड़ते हैं बोरॉन हाइड्राइड BH3, यानी B2H6 का जो ये एक सिंगल यूनिट है वो हमने जोड़ी है. ये डाइमर है, ये मोनोमर है. इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा आपको पता है कि CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड BH2, ये बोरॉन हाइड्राइड यहां जुड़ेगा, हाइड्रोजन यहां पर जुड़ेगा. तो अब आप हाइड्राइड है ना, तो इसका मतलब है कि यहां पर ये कंडीशन ध्यान रखना कि इसमें जो एडिशन हुआ है वो कौन सा एडिशन है. हाइड्राइड का मतलब H नेगेटिव यहां से निकला होगा, तो ये मार्कोनिकॉफ यहां पर अप्लाई हो गया. अब इसके बाद की स्टेप क्या होगी, फिर हम दोबारा इस पे प्रोपीन डाल देंगे. तो ये हमने दोबारा प्रोपीन लिया, इस प्रोपीन पर हमने जब इसका अटैक कराया तो कंपाउंड हमारे सामने आया CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस हो जाएगा. देखिए एक अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो एक हमारे पास ये एल्काइल ग्रुप हो गया और एक एल्काइल ग्रुप, क्योंकि H इसमें जुड़ा होगा तो एक एल्काइल यहाँ से जनरेट होगा. तो टोटल हमारे पास दो एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, तो इसको ट्वाइस कर देंगे और यहाँ पर हम लोग BH लिख देंगे. तो इसका नाम हो गया एल्काइल बोरेन, इसका नाम डाइएल्काइल बोरेन. और तीसरा जब कंपाउंड इसमें दोबारा फर्दर हम लोग प्रोपीन का एडिशन करेंगे, यानी ये हमने लिया प्रोपीन, ये जब प्रोपीन इसमें डाला तो फिर तीन जुड़ जाएंगे और तीन जब जुड़ जाएंगे तो ट्राई एल्काइल या ट्राई प्रोपाइल बोरेन हमारे सामने हाजिर हो जाएगा. इस तरीके से हमने थ्राइज लिया और यहाँ पर B. तो ये कंप्लीट हुआ हाइड्रोबोरेशन, यानी कि पहली स्टेप जो आप देख रहे हैं वो ये यहाँ तक हुई. अब स्टेप नंबर, यानी कि हम इसे A पार्ट डाल देते हैं जो हाइड्रोबोरेशन के नाम से जाना जाएगा, और B पार्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं इसका ऑक्सीडेशन. तो ये कंपाउंड मैंने लिखा यहाँ पर CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B, और इसको हमने जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के तीन मॉलिक्यूल लेकर के बेसिक मीडियम यानी 3H2O2 और मैंने बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव इसे ऐड कर दिया. जैसे ऐड किया तो अगर आप 3H2O2 को ध्यान से अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर 6OH दिख रहे होंगे. देखिए 6 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन, अगर 6OH यहाँ पर दिख रहे हैं, ये समझने वाली बात है. तो क्या होगा कि तीन तो इससे जोड़ दो, मतलब यहाँ बन जाएगा CH3, CH2, CH2 और OH और आगे लगा दीजिए आप तीन, बन गया प्रोपेन बोरान। क्लियर हुआ? अब इसके बाद OH कितने बचे? तीन बचे, तो इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट निकल सकता है H के तीन, B का एक और O के तीन, H3BO3 हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो ये रिएक्शन साथियों हुई complete hydroboration oxidation. Now this step is called, this one step is known as oxidation step. इसको हम लोग oxidation step बोलते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, और ऊपर वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन हो रहा है, इसलिए मिलाकर बोल देते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। क्या होता है कि दूसरी रिएक्शन जो अब आप देख रहे हैं वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। अब भैया नाम बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, अगर आप नाम में कुछ ढूंढ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यानी एक बार मर्क्यूरिक एसीटेट जुड़ेगा और दूसरी बार हटेगा, सिंपल सी बात है। कि मर्क्यूरिक एसीटेट को ऐड करना है, उसके बाद उसे हटा भी देना है। इन सब चीजों को जब आप नोटिस करेंगे तो आखिरकार ये रिएक्शन चलेगी कैसे। इस रिएक्शन को चलाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग चाहे प्रोपीन से चलाएं और चाहे इथीन, दोनों से चल जाएगी, लेकिन हम लोग प्रोपीन वाली रिएक्शन बहुत पूछी जाती है। तो ये मैंने भैया ले लिया आपका प्रोपीन, दिखा आपको, इसमें मैंने मर्क्यूरिक एसीटेट वाटर के साथ में मर्क्यूरिक एसीटेट डाल दिया, HgOCOCH3 का होल ट्वाइस, ये हो गया मर्क्यूरिक एसीटेट। इस मर्क्यूरिक एसीटेट को जब हमने ऐड किया तो ऐड करने के बाद कंडीशन हमारे सामने क्या हुई, वो कंडीशन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने ये प्रोपीन लिया तो फिर कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CH और नीचे यहाँ पर जुड़ा OH, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग भाई वाटर का OH नेगेटिव आएगा ना यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर जुड़ा CH2 और नीचे जोड़ दीजिए आप HgOCOCH3 और एक CH3COOH, भाई CH3COOH बचाओ, एक H यहाँ से ले लीजिए, एक CH3COOH यहाँ से रिलीज हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोक्सी मर्क्यूराइल कंपाउंड। क्या नाम है इसका? नाम अगर आप जानना चाहते तो नाम जान लीजिए, हाइड्रोक्सी हो गया और उसके बाद मर्क्यूराइल कंपाउंड हो गया, मर्क्यूराइल कंपाउंड। अब इसके बाद मर्क्यूराइल कंपाउंड हो गया। अब ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होता है, इस वजह से इसको हम लोग रिडक्शन करा देते हैं और इस ऑक्सी मर्क्यूराइल कंपाउंड को हम दोबारा लिखेंगे यहाँ पर, और कैसे लिखते हैं वो भी आपको बता दे रहे हैं। यहाँ लिखा मैंने CH3, यहाँ CH, यहाँ OH लिख दिया और यहाँ पर आपका CH2 लिख दिया और नीचे आपका वही HgOCOCH3 लिख दिया और इसमें मैंने इसका रिडक्शन करा दिया NaBH4 की वजह, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और जैसे ही रिडक्शन कराया कंपाउंड आपके सामने CH3CH नीचे तो OH जुड़ा ही हुआ है, यहाँ पर आपका CH3 हो जाएगा और साथ में ये Hg निकल जाएगा और साथ में निकल जाएगा आपका CH3COOH। इस तरीके से रिएक्शन ये कंप्लीट हो जाती है। एक बात, अगर आपने इस तरीके का कोई कंपाउंड ले लिया, मान लेते हैं ये R है ना, डबल बॉन्ड, इस तरीके से कंपाउंड ले लिया आपने, ये यहाँ C, यहाँ ले लिया आपने R, ये R1, ये डबल डैश, ये ट्रिपल डैश, इस तरीके से कंपाउंड आपने मान लीजिए कोई ले लिया, यहाँ पर R ले लीजिए, चलिए ऐसे करके कोई कंपाउंड यहाँ पर ले लीजिए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में भी अगर आप वाटर के साथ में मर्क्यूरिक एसीटेट डालना चाहते तो डाल दीजिए मर्क्यूरिक एसीटेट। जैसे ही मर्क्यूरिक एसीटेट पड़ेगा तो भैया आपका वही प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा जो आप चाह रहे थे, मतलब एक OH को यहाँ जोड़ देना है, इसके बाद C और ये आपका R डबल डैश और यहाँ पर R, नीचे जुड़ जाएगा वही HgOCOCH3 OCOCH3। इसको आप क्या कर लीजिए, इस कंपाउंड को आप NaBH4 के साथ में ट्रीटमेंट करवा लीजिए। NaBH4 जब इस पर अटैक करेगा तो वही कंपाउंड R डबल डैश R सिंगल डैश यहाँ पर C, यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ पर वही आपका ऊपर R ट्रिपल डैश और यहाँ पर आपका R और यहाँ धीरे से आप H को चिपका दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से कंपाउंड बना सकते हैं। तो ये कंपाउंड जो बन रहे हैं ये तो एल्कोहल है, ये आप जान रहे हैं, ये एल्कोहल है, ये आप अच्छे से जान रहे हो। 3 डिग्री का भी एल्कोहल है, ये भी आप जान रहे हैं। तो इस तरीके से आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन, इतना हिस्सा कहलाया, यहाँ से यहाँ तक चला ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ये मर्करी यहाँ रिमूव हो गया तो डीमर्क्यूरेशन, सिंपल सी बात है, इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात आपको जानना जरूरी है कि मान लीजिए आपके सामने इस तरीके का कोई कंपाउंड अगर आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड यहाँ पर लिखा हुआ है और वो कंपाउंड ये है CH3, यहाँ पर मैंने लिखा CH3 और यहाँ मैंने डबल बॉन्ड CH2 कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम गंगा जल में मर्क्यूरिक एसीटेट भिगो के इसके मुँह पे मार दें तो कंडीशन क्या होगी वो आप जरा देख लीजिए कि जैसे ही गंगा जल इसके मुंह पे पड़ेगा ये बेचारा कन्वर्ट हो जाएगा CH3। यहाँ पर भी हम लोग CH3 लगा लेते हैं, यहाँ पर OH लगा लेते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह बॉन्ड सिंगल हो गया और ये हो गया आपका CH2 और नीचे लटक गए हैं ये HgO COCH3। ये मर्क्यूराइल कंपाउंड बना। ये मर्क्यूराइल कंपाउंड जैसे ही बना इसको तुरंत NaBH4 से मुलाकात करा दो और जैसे ही NaBH4 इससे मिलेंगे ये बिल्कुल दीवाना हो जाएगा और बन जाएगा 3 डिग्री की दारू में। ये बन गया आपका 3 डिग्री का अल्कोहल और साथ में वो मरकरी और थोड़ा सा एसिड निकल जाएगा तो ये आपका 3 डिग्री की दारू तैयार हो गई। अब आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब मजाक कर रहा था, 3 डिग्री का अल्कोहल बन जाएगा इसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही आपको करना क्या है, बहुत सारी रिएक्शंस आपको इस तरीके से तैयार कर लेनी है। ये रिएक्शंस एक मेरे जो फॉलोअर हैं वो पूछी थी उन्होंने कि सर इस रिएक्शन के बारे में बताइएगा, उस रिएक्शन के नाम बताइएगा। तो मैंने आपको ये पूरी रिएक्शन इस तरीके से समझा दी है। आप इन दोनों रिएक्शंस को बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिए और प्रिपेयर करने के बाद अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, इसके स्नैप्स ले लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनको देख करके कॉपी पर लिखिए और लिखने के बाद जो है आप इसको अपने आप भी लिख करके प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि ये रिएक्शंस अगर आप बार बार लिखिए, केमिस्ट्री रिएक्शन से बोलती है, केमिस्ट्री थ्योरी से नहीं बोलती, इसलिए रिएक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। और अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ तो आप जानते हैं कि बहुत ईजिली याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए प्रैक्टिस, जब आप एक्चुअली में क्या हो ना कि अपने आप लिखने से जो मज़ा आता है ना वो मज़ा शायद कहीं नहीं आता, इसलिए अपने आप लिखिए, याद करिए, आपको अच्छा लगेगा, याद भी आसानी से होगा। और एक कोशिश और किया करिए, रिएक्शंस को पढ़ने के बाद 2-3 बार हर रोज प्रैक्टिस करते रहा करिए, जिससे कि ये रिएक्शंस आपके दिमाग में रुकी रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि भूलने की क्षमताएं हम लोगों की बहुत ज़्यादा होती हैं और याद रखने की क्षमताएं कम होती हैं। ये क्षमताओं का यूज जो है, हम अपने याद रखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं अगर हम लोग ये बार बार प्रैक्टिस करते रहें, बार बार रिपीट करते रहें। इन रिएक्शंस को पढ़िए। और इसके बाद मैं वीडियो दे रहा हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, एल्कोहल से जुड़ी वीडियो है। तो एल्कोहल से जुड़ी वीडियो आपको ये जरूर बताएगी कि स्टेप अप कन्वर्जन क्या होते हैं, स्टेप डाउन कन्वर्जन क्या होते हैं और कैसे हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन कन्वर्जन्स करते हैं। इस चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो के बाद डिस्कस जरूर करेंगे, तो आप इसको देखिए और अगली वीडियो का इंतज़ार जरूर करिए।